कि पुगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में कल शांतिपूर्वक मतदान हुआ। पुगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में 111 उम्मीदवार मैदान में थे। देर रात्रि 37 सरपंच यहां पे निर्वाचित हुए हैं। पुगल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अमरपुरा में हम इस समय खड़े हैं, जहां पे कल शांतिपूर्वक मतदान हुआ व देरी से रिजल्ट भी आया, जहां पर मुरलीधर खत्री जो 521 वोटों से विजय हुए हैं इस समय हमारे बीच हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, ये जो गाँव की एक बड़ी समस्या है, ज़मीनों का अलॉटमेंट को लेकर भी एक बड़ी समस्या आगे आ रही है, चिकित्सा और शिक्षा की बड़ी एक समस्या है, इसको किस तरीके से आप जनता तक लेके जाएंगे, इनके विकास कार्य करवाएंगे? हमारे गांव में 1975 के अंदर अलॉटमेंट हुई थी, 150 फाइलें, उसमें अभी तक गांव को टीसी से पुख्ता हुई, उसके बाद में खाद्यान्न नहीं मिली आज तक, और आज तक खाद्यान्न नहीं मिली। उसके अंदर खाद्यान्न नहीं मिलने की वजह से किसानों को केसीसी नहीं बन रही है, और खाद्यान्न होती तो उसके पास में 5-4 बीघा विशेष में चक लेता। ये सबसे बड़ी समस्या किसानों की, किसानों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उसके अलावा गांव के अंदर काफ़ी समस्या है, स्कूल है, रोडें नहीं बनी हुई है, एक एक रोडों का पिछले पूर्व के अंदर 5-7 बार इन्होंने पेमेंट चक लिया। पहले पेमेंट चका इसने मतलब अमरपुरा से कुंभाराम की दुकान से स्टैंड तक, स्टैंड से कुंभाराम की दुकान तक, काफ़ी मतलब मात्रा से इन्होंने पेमेंट चका है। और 650 फाइल यहाँ अमरपुरा गाँव में अलॉटमेंट हुई थी राजेश नाइक की टाइम में, वो चल रही अभी चल रही है जाँच पे, उसमें क्या इन लोगों का पूर्व सरपंच और एसडीएम साहब का हाथ था। तो गरीबों का मतलब जो भी है ज़मीन है चराने के लिए थी, गोचर की सभी ज़मीनें उठा ली उन्होंने, कोई ज़मीनें नहीं छोड़ी है। किसान आदमी अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान है ज़मीनों की फाइलों की वजह से, इसकी जल्दी से जल्दी जाँच हो। खातूवाला पंचायत समिति का यह क्षेत्र रहा है, जिसके तरीके से यहाँ पे 70 किलोमीटर की दूर यह ग्राम पंचायत हुआ करती थी, नरेगा के अंदर एक भ्रष्टाचार, आम गरीब तक राशि नहीं पहुंच पाती, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अंदर क्या है, पूर्व सरपंच और ग्राम से सब मिलके मतलब आदमी थे 400 आदमी या 200 आदमी लगा दे, और उसका आधा पेमेंट ये खाते थे, आधा पेमेंट सीधे ही काम बिगड़ कराई हुई गाँव विकास वगैरह पेमेंट चकते थे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो 1999 में 108 फाइल पास हुई थी अलॉटमेंट की गाँव की, उन्होंने सभी फाइलें दबा दी, उसकी अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई है। उस टाइम सिद्धांत जी चारण वार्ड मेंबर थे, उन्होंने बहुत इसकी लंबी लड़ाई लड़ी थी। उसका आप पहली 521 वोटों से विजय हुए हैं, क्या प्रथम कार्य क्या रहेगा ताकि आप जनता को एक विश्वास दिला सकें कि इस क्षेत्र का विकास कार्य अवश्य होगा? जनता को यही विश्वास है, हम साथ में लड़के युवा पार्टी विकास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर 300 मकानों का अभी तक ऐसे हैं गरीब जिनके पास खाने के लिए दाना ही नहीं आता ही भी, जो इनको लाभ नहीं दिया है, मकान वगैरह झोंपड़ी बनी हुई है, इनकी हालत बहुत ख़राब है। जनता की आप देखोगे आपको पता चलेगा ये क्या क्या चीज़ है। बिल्कुल, ये थे सरपंच मुरलीधर, इनका कहना है कि ये ग्राम पंचायत बहुत ही पिछड़ी है, हालांकि गरीबों तक अनाज नहीं पहुंच रहा है, नरेगा के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पे जुंझारू है, यहाँ पे काम ना होने के कारण जनता ने विश्वास कर हमें 521 वोटों से विजय बनाया। हम कंधा से कंधा मिलाकर इन लोगों के साथ रहेंगे, गरीब तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी, उनको हर समस्या के अंदर हमें उनका साथ देंगे, और युवा पार्टी बनाकर गांव का विकास कार्य करवाएंगे। टुडे 24, सुरेंद्र डेलू, खाजूवाला।